हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो आज ये ऑप्टिमाइजेशन का पहला वीडियो है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। सो होता क्या है ऑप्टिमाइजेशन? देखिए, आपने अगर डा जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम, या हम बात करते हैं कि ये एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज्ड है, ये फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो असल में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑप्टिमाइज समझते हैं कि पहले तो ऑप्टिमाइज क्या होता है कि यार, ऑप्टिमाइज ये होती है जो कि सबसे परफेक्ट, जिसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जिससे मिले। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन एक मेथड होता है फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन एक सेकेंड रुकिए, ऑप्टिमाइजेशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपका कोई भी एफ हो गया, एक्स वाई जेड उसके अंदर। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, एक ऑप्टिमाइज मेथड हो गया, एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन एक मेथड हो गया आपके लिए। सो द कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। ये यहां पर एक और है, द कॉन्स्टेंट। कंस्ट्रेंड होता है जहां पर रूल लगे हों। ठीक है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट मेथड ऑप्टिमाइजेशन। सो आप बता दीजिए कि ये एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ कोई भी फंक्शन जो कि एक्स वाई या जेड होल्ड करता है, सब्जेक्ट टू, अब यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट आपको दिया गया हो। ठीक है, आपको कांस्टेंट दिया गया होगा, कांस्टेंट हो गया आपका जी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, तो ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, इसके बिहाफ पर आपको ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझेंगे और फिर बाद में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या रखा है कि देखिए, इसी के ऊपर कांस्टेंट ऑप्टिमम ही निकालना, ऑप्टिमाइजेशन ही निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू, आपको क्या निकालना है, ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो आपके पास में फंक्शन हो गया एक्स वाई और जेड, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। सो यहाँ पर किसके बिहाफ में कांस्टेंट दे रखा है आपको? देखो, आपको जब ये बोल दिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, तो ये एक आपको कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, सो आप ये समझ लो कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो तो हो गया ये, और इसको मैं इधर ले जाऊं, 15 को इधर ले जाकर, और जी एक्स वाई बना दूं इसको मैं। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 15। तो ये आपने पास में दो फंक्शन हो गए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये सॉल्व करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप है ना मेरे स्टेप्स फॉलो करते रहिए। स्टेप फर्स्ट, आपके पास में फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। एक बार इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, एक बार वाई के में, और एक बार जेड के में। एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आया, ये वन हो जाएगा और बाकी ये कांस्टेंट। ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करना है, सो ये हो गया, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू हो गया आपका,
जी एक्स वाई और जेड, जो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड -15 था, इसको भी सेम एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, क्या आ जाएगा, 1, बाकी सब 0, कॉन्स्टेंट है। वाई के रेस्पेक्ट में भी 1 और जेड के रेस्पेक्ट में भी 1। अब आपको यहां पर एक और चीज करनी है, कह रहा है कि कंसिडर, ये कंसिडर करना है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई, इक्वेशन सेकंड, और एफ जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड, इक्वेशन थर्ड। ये आपको कंसिडर करना है, क्यों, जहां पर वेयर लैम्डा जो है वो है लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये है लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अच्छा, इसका करने का कारण है कि इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डालते हैं, तो एफ जेड की वैल्यू है आपके पास में वाई और जेड, एफ एक्स की वैल्यू होगी, और जी एक्स मतलब जी पार्शियली डिफरेंशिएट विद एक्स, उसकी होगी 1। ऊपर से आपको बस एज इट इज वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि ये तीनों ही वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इक्वेशन बनी ए, इसको इक्वेशन फोर्थ लिख देता हूँ मैं। अब ऊपर मेरे को एक कंस्ट्रेंट गिवन था, कंस्ट्रेंट गिवन था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, ठीक है। अब मेरे को इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कैसे, तो यहां पर ये देखो कि अगर ये दोनों इक्वल है, हाँ, तो जेड से जेड कट गया, क्या बचा, वाई इक्वल टू एक्स। सेम ऐसी कहानी इसके अंदर है कि एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया और जेड इक्वल टू वाई। तो आप ये देख पा रहे हो कि सब एक टर्म में बदल देंगे, सबको एक टर्म में बदल दो, वाई के टर्म में बदल दो, सो वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 15, तो ये हो गया 3 वाई इक्वल टू 15, और एट लास्ट वाई इक्वल टू 5। वाई इक्वल टू 5 है, सेम एक्स क्योंकि सारे इक्वल है, सो एक्स इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, वाई इक्वल टू तो 5 है ही और जेड इक्वल टू 5 है, सो 5 5 5 गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन गिवन है, सो इट इज द पॉइंट पॉइंट वेयर फंक्शन गिव्स, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड गिव्स ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू। सो सीधा आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू डाल दो एक्स वाई जेड की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125, 5 × 5 × 5 × 125, ठीक है, दिस इज आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, आप कह रहा है कि गिवन दैट, कॉन्स्टेंट गिवन है अपनों को, क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपका ये है एक्स वाई जेड, यहां पर एक्सट्रीम वैल्यू बोला है, ठीक है, सो देखो एक्सट्रीम हो गया, ऑप्टिमम हो गया, ये कुछ नई चीज नहीं है यार, सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बताया था, पहले तो जी एक्स वाई जेड निकाल लो, जो एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ए को इधर ले जाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लो, पार्शियली डिफ्रेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, 1 1, इसका कर लिया, इसी प्रकार इसका भी कर लो, एफ एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आया, एम एक्स एम माइनस 1, वाई ऐसे कैसे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में किया
तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एन वाई एन माइनस वन जेड पी। ठीक है, ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में एक्स एम वाई एन पी जेड पी माइनस वन। ठीक है, तो ये तीनों आ गई वैल्यू। अब आपको सेम वो जो मैंने आपको कहा था कंसीडर करने को, लेट कंसीडर, क्या कंसीडर करना है कि एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी वाई है, जी एक्स है, एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई, एफ जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड। तीन इक्वेशन करनी है जहाँ पर लैम्डा क्या है आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर, जहाँ पर ये लैम्डा हो गया लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ऊपर लिखा है एक बार फिर से, मतलब ये मल्टीप्लायर है एक तरीके से। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू डालनी है सीधी सीधी, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालो आप एम एक्स एम माइनस वन वाई की पावर एन जेड की पावर पी लैम्डा वन, ये जी एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एफ एफ पार्शियल पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया था एफ को हमने वाई के रेस्पेक्ट में, तो वो डाल दो एक्स एम वाई एन माइनस वन जेड की पावर पी लैम्डा वन। इसी तरीके से पी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन जेड की पावर पी माइनस वन लैम्डा वन। ठीक है, अब ये देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये तीनों इक्वल हैं, इनको इक्वल करो, तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन वाई एन जेड की पावर पी, ये एन एक्स की पावर एम वाई की पावर एन माइनस वन जेड की पावर पी, पी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन जेड की पावर पी माइनस वन। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को ऐसे का ऐसे छोड़ दो। इसको देखो, सबसे पहले हम ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये दोनों को इक्वल किया एम माइनस वन वाई की पावर एन जेड की पावर पी एन एक्स की पावर एम वाई की पावर एन माइनस वन जेड की पावर पी, जेड की पावर पी से जेड की पावर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ एम एक्स की पावर एम प्लस एक्स। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक कट जाएगा और वन माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाई एन वाई, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आया आपका, आ गया एम इक्वल टू वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में एन एक्स। सो मैं वाई इक्वल टू लिख लेता हूँ एन अपॉन एम एक्स इक्वेशन फॉर, इसको मैं ए लिख देता हूँ इक्वेशन। इसी तरीके से मैं दूसरे दो को, मतलब अगले दो जो हैं इन दोनों को इक्वल ले लूँगा, एक्स की पावर एम वाई एन माइनस वन, देखो इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ मैं अभी, इसको और इसको। ठीक है, तो कुछ नई टर्मिनोलॉजीज निकल के आ जाएगी हमारे पास। सो जेड की पावर पी इक्वल टू पी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन जेड पी माइनस वन। ठीक है, हो गया, अब इसको इक्वेट किया मैंने, सेम यहाँ से ये कट गया, अब कुछ नई कहानी नहीं है, सेम वही है, आप एज इट इज वैसे का वैसे करो, जेड इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, सो एन जेड इक्वल टू पी वाई, सो एन जेड अपना, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वाई अपॉन एन। ठीक है, सो अपना जेड भी आ गया, या फिर सॉरी इसको वाई को लिख लो आप, सबको वाई की टर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स इक्वल टू एम वाई अपॉन एन कर देता हूँ, तो सबको वाई की टर्म में लिख लेते अपन। अपनी इक्वेशन क्या थी, कॉन्स्टेंट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, सबको वाई की टर्म में लिखते हैं, तो ये हो गया आपका एम वाई अपॉन एन, एम वाई अपॉन एन एक्स की जगह वाई ऐसे कैसे ही, और ये हो गया आपका पी अपॉन एन वाई इक्वल टू ए। ठीक है, सेम इसको इक्वेट करके आप निकालो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ
एन एम वाई प्लस वाई एन और पी वाई इक्वल टू ए। यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है अपना, वाई कॉमन आ गया, एम प्लस एन प्लस पी अपॉन एन इक्वल टू ए, और वाई इक्वल टू ए इंटू एन अपॉन ए इंटू एन अपॉन पी। ये आपका वाई आ गया, ठीक है। अब जब वाई आ गया आपका, तो वाई अलग अलग इक्वेशंस में डाल दो, अलग अलग इक्वेशंस में। यहाँ पर आपका वाई पहले तो, सबसे पहले तो इस इक्वेशन में डालो एम अपॉन एन वाई। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन इंटू, ये वाई है ही आपका, एन से एन कैंसिल। सो एक्स ए एम एम प्लस एन प्लस पी, ठीक है, ये हो गया एक्स। और इसी तरीके से जेड आपका आ जाएगा, जेड आपका था पी अपॉन एम, ठीक है, और इंटू एक्स, ठीक है, मतलब अगर इक्वेट करेंगे तो इंटू एक्स आ रहा है वो। तो आप मतलब किसी भी तरीके से उसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जेड इक्वल टू पी ए एम प्लस एन प्लस पी, तो ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम वैल्यू है या एक्सट्रीम वैल्यू है, वो कब आ रही है उस कांस्टेंट पे, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू ये जो अपनों ने इक्वेट किया वो है। तो आप उस फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है, उसके अंदर ये वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। वैल्यू आप डालोगे क्या है, वाई एन जेड की पावर पी। तो एक्स एक्स है अपना ए एम एम प्लस एन प्लस पी की पावर एम, ए एन एम प्लस एन प्लस पी की पावर एन, और वहीं ए पी एम प्लस एन प्लस पी की पावर पी। बस दैट्स इट। अब इसी तरीके से आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको कांस्टेंट मिलेगा और आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।